आज अभी इस पखाल दिवस पूरे उड़ीसा में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पखाल एक उड़िया व्यंजन है जो मुझे लगता है कि जो हम बचपन में कभी खाते थे चावल भात, उससे ये मिलता जुलता है। मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा इसमें। पानी भात खाई होगी? नहीं खाई। पक्का? हाँ पक्का नहीं खाई। क्या होता है पानी भात? क्या होता है पानी भात? मार भात खाए। मार भात खाई हो? पानी भात याद नहीं है। बताओ। नहीं मैम मैं भी नहीं खाई हूँ पानी भात, मुझे तो पता भी नहीं था। आज पता चला? आज नाम ही सुने। आज पता चला कि पानी भात कुछ होता है। ऐसी मान्यता है कि इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जगन्नाथ मंदिर में, जो भगवान जी के लिए बहुत तरह के भोजन बनते हैं उनमें से ये एक था। और उड़ीसा के लोग इसे बहुत ज़्यादा इसलिए भी एक्सेप्ट करते हैं और खाते हैं क्योंकि ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। ये जो चावल यूज किया जाता है इसमें, इसे बनाने के लिए, वो फर्मेंट किया जाता है थोड़े समय के लिए और ये हमारे बॉडी के लिए कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये समर के लिए बहुत ही परफेक्ट फूड है। और इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें, अगर फर्मेंटेड चावल के साथ हम दही जो यूज कर रहे हैं, प्रोबायोटिक है उसमें, तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बहुत लोग भुना जीरा यूज करते हैं, पिकल्स जो है वो भी बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, तो पिकल्स का यूज किया जाता है। पानी के साथ ये कंबाइन किया जाता है। इवन हम लोग भी बिहार में ये खाते हैं और मुझे लगता है अगर आप बिहार से हो तो ज़रूर आपने कभी ना कभी ये खाया होगा। बहुत लोग इसे बंटा भात भी कहते हैं, पानी भात बंटा भात और इसी तरह का। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा और इधर सारे लोग इसे खाते ही हैं, बट अब क्या है कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आपने भी ये कभी ट्राई किया है अपने लाइफ में और आपने नहीं खाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ये रेसिपी जानते हैं या नहीं जानते हैं। थैंक यू सो मच।